बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो यूज किया जाता है, वो है ऐसा एक चीज जिसके अंदर एक नीडल होता है और जिसके अंदर आप डाल के आपके अंदर में डालते हो। नॉर्मल सा बात है, इसमें आप लोगों का गुस्सा होने का क्या रीजन है? और मैं आप लोगों को बोल दूं, बहुत सारा कंपनी का लोग आके ये कमेंट करते हैं, जिन लोगों का स्पॉन्सरशिप शायद मैंने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर मैंने काम नहीं किया उनके साथ, वो आप एटलीस्ट 15 to 20 grams करके क्रिएटिन ऐड कर लो। इस 5 वीक में 1 से 2 kg वेट्स गेन हुआ, ठीक है? वो लोग बहुत ही हैप्पी है। अब किड्स लव 54, मसल इम्बेलेंस प्रॉब्लम है, क्या करूं, मसल इम्बेलेंस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर फिटला। मेरा नाम है अभिजीत और आज आप लोगों का स्वागत है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की पाठशाला Day 6 में। अब सभी को पता है कि लास्ट जो 5 मैंने क्लासेस यहाँ पे किया था संडे करके, उनमें मैंने डाइट एक्सरसाइज की कुछ Q&A उसके ऊपर बात किया था, और आज मैं बोला था कि आप लोगों का जो डाइट है वो थोड़ा चेंज कर दूंगा। गाइस, मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आया वो वीडियो के बाद जब मैंने बोला कि मैं डाइट को चेंज करूंगा, तो मेरे पास कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जो मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत जन का ये भी, वो लोग चाहते हैं कि ये डाइट को थोड़ा और फॉलो करे और उनका गेन जो है और थोड़ा हो जाए और 1 kg एटलीस्ट गेन हो जाए। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, इनमें थोड़ा मसल मास तो ऐड हुआ है, साथ में थोड़ा फैट भी उन लोगों का ऐड हुआ है, इसलिए 1-2 kg का फर्क आया है। बट एक चीज मैं बोल दूं, ये जो प्लान चल रहा था 5 हफ्ता हुआ है, मैं और 2 हफ्ता एक्सटेंड करूंगा, ठीक है? ये है Day 6 इस हफ्ता, उसके बाद Day 7, Day 8 जब होगा उस टाइम मैंने वो डाइट जो है वो पूरा चेंज करूंगा। उसमें मैं करूंगा क्या, मसल रिकॉम्पोजिशन, जहां पे फैट लॉस होगा साथ में आपका लीन मसल मास गेन होगा थोड़ा थोड़ा करके। बट आज जो चीज करने जा रहा हूँ कि इतना दिनों में जो जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, जो जो आंसर मैंने अभी तक नहीं किया, वो सारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया है कि क्रिएटिन को ज्यादा यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो मैंने क्या बोला था, क्रिएटिन क्रिएटिन जो है 5 grams करके मैंने बोला था, तो आपको ज्यादा क्यों यूज करना है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है? जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 5 grams ये स्टैंडर्ड डोज है और इसको आप लंबे समय तक ले सकते हो। अगर आप इसमें ज्यादा करते हो, सपोज आप इसमें 10 ग्राम करके करते हो, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है, ब्लोटिंग का, वाटर रिटेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बट जहां पे मुझे 5 ग्राम चाहिए, तो मैं 10 ग्राम क्यों लू, ठीक है? तो 5 ग्राम ही आप लो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम गेम है। ये नहीं है कि आप सिर्फ थोड़ा दिन यूज करके स्टॉप कर दोगे, ये लॉन्ग टाइम गेम है, आपको इसको 26 वीक्स तक यूज करना पड़ेगा। तो 5 ग्राम्स करके आपको ठीक है। बट एक चीज बोल दू, क्रिएटिन का डोज बोल दू, बेसिकली अगर जो लोग लोडिंग करना चाहते हैं ना, लोडिंग करना चाहते, हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि पहला जो 7 दिन है, फर्स्ट 7 डेज जो है, वो आप एटलीस्ट 15 to 20 grams करके क्रिएटिन ऐड कर लो, ये लोडिंग होता है, ठीक है? उसके बाद से आप 3 to 5 grams पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद से, ठीक है, आप जितना दिन मर्जी यूज कर सकते हो, पहले आप लोडिंग कर लो। पर अगर आपको लगता है कि आपका जो गेम प्लान है वो एक डिफरेंट टाइप का गेम प्लान है, जहां पे आप कुछ बॉडी अचीव करना है, स्टेज पे जाना है, तो आपको उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा जो आपका कोच सजेस्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे लोडिंग नहीं चाहिए, ज्यादा मुझे वाटर बॉडी के अंदर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 5 ग्राम्स जो सफिशियंट है सबके लिए, और बाकी जो चिकन खा रहे हो, जो जो खाना खा रहे हो, उसमें से थोड़ा बहुत जितना भी मिनिमम आ रहा है क्रिएटिन, उससे चल जाएगा। तो यही है आपका ओवरऑल क्रिएटिन का डोज, जो है आपका 5 ग्राम्स के अंदर, ठीक है? अभी बात आता है कि क्रिएटिन कौन सा ले, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आया है, क्रिएटिन कौन सा ले। आप तो नेचुरल टिन का बोल रहे हो, अभी पहले तो आप दूसरा कंपनी का यूज करते थे, अभी तो आप नेचुरल टिन का बोल रहे हो। मैं यहाँ पे एक चीज बोल दू, मैं कभी ये नहीं बोला कि आप नेचुरल टिन का ही लो, बाकी कोई भी क्रिएटिन मत लो। मैं ये बोला कि नेचुरल टिन का क्रिएटिन जो है अभी मार्केट में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है। बहुत सारा क्रिएटिन मार्केट में, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं किसी को कोई भी चीज पे मना नहीं कर रहा, बट बेस्ट जो है वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो है, हाँ, नेचुरल टीम को मैं स्पॉन्सर करता हूँ तो बोलूंगा ही, ये तो मेरा काम है, उससे मुझे थोड़ा बहुत तो कमाई हो रहा है, वो तो नॉर्मल सा बात है।
बाकी जो ब्रांड है मैं नाम लिख देता हूं, जैसे आपका वेलकोर, मैं खुद यूज किया वेलकोर पूरा प्रेप के दौरान, अफ्ता रिसेंटली लॉन्च किया, ज्यादा दिन मैंने यूज नहीं किया, एक बॉक्स हार्डली मैंने यूज किया, ठीक ठाक है, नेचुरल टीन नया लॉन्च किया, ठीक है, एमबी का पहले अच्छा था, अभी थोड़ा फ्लेवर फ्लेवर डाल के कुछ किया है, एमबी का मैंने यूज किया था उस टाइम, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है उसका, एज इट इज, उसके बाद नेक प्रो, लो जो मर्जी लो, कोई मना नहीं किया, जो मर्जी लो, मैंने इतना सारा नाम लिख दिया, बट मुझे स्पॉन्सर करते है ये तो मैं ये नाम लूंगा ना ज्यादा से ज्यादा, मार्केट में बहुत सारा है, आप लोग जानकार हो तो आप लोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है एक ब्रांड को एंडोर्स करना, और एंडोर्स मैं तभी करूंगा जब एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये नॉर्मल सा बात है, इसमें आप लोगों का गुस्सा होने का क्या रीजन है, और मैं आप लोगों को बोल दूं बहुत सारा कंपनी का लोग आके ये कमेंट करते हैं, जिन लोगों का स्पॉन्सरशिप शायद मैंने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर मैंने काम नहीं किया उनके साथ, वो लोग ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं, ठीक है, तो कमेंट के ऊपर उतना ध्यान मत दो, ध्यान दो कि कंटेंट क्या है, क्या मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो अनुभव कर्मकार 3848 मुझे किए थे कमेंट पे, कि D3 विटामिन D3 और कैल्शियम को कैसे यूज करें। देखिए दो तरीका है यूज करने का, विटामिन D3 जो है 60K करके एक आता है, मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा, उसको वीकली एक बार आपको लेना है, कोई भी दिन, अगर संडे ले रहे हो तो नेक्स्ट संडे और एक लेना है, फिर उसके बाद संडे एक लेना है, तो 7 दिन में एक बार ही आपको लेना है, ये कर सकते हो, अदरवाइज न्यूट्रीजा का 5000 आयु करके आता है, ये आप डेली ले सकते हो, ठीक है, तो तब ये मत लो, ये वाला तब मत लो, तब सिर्फ ये वाला आप डेली ले सकते हो, एवरीडे ब्रेकफास्ट के बाद आराम से ले सकते हो, और ये भी आप जब लोगे तब आप ब्रेकफास्ट के बाद ही लेना, अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आप इससे काम चला सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इजी हो जाता है कि आप वीकली एक बार ही लो, मैं वही किया था तो मैं वीकली एक बार ही करके ले देते, अभी मैंने इसको भी ट्राई किया देखने के लिए कि रिजल्ट कैसा है, तो हाँ ठीक ठाक बेहतरीन है, बट इससे मुझे ज्यादा रिजल्ट मिला था, ये 60K वाला जो मेडिसिन शॉप से मैंने लिया था उससे। अभी कैल्शियम शेल कैल 250, ये वाला आप ले सकते हो, डेली आपको ब्रेकफास्ट के बाद एक लेना है, डेली लेना है ब्रेकफास्ट के बाद, जितना दिन मतलब ये 26 हफ्ते तक आपको लेना है, ठीक है। आया था अभिनव चोना 3742, KSM 66 कौन सा कंपनी का लेना है, KSM 66 बेस जो कंपनी है मैं बोल दे रहा हूँ, एक है आपका फास्टनर और एक है आपका न्यूट्राबॉक्स, मैंने खुद यूज किया और बहुत दिन से मैंने यूज किया, लगातार यूज किया, फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ कोई भी एडिशनल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या फिर KSM, जरूरत नहीं है, स्ट्रेस उतना नहीं है, जब मुझे फील होगा कि मैं डाइट पे जा रहा हूँ, सीरियस डाइट फैट लॉस करूंगा, तब जाके स्ट्रेस बिल्ड होता है, तब जाके फिर से यूज करूंगा, कोई भी सप्लीमेंट्स को लॉन्ग टाइम के लिए यूज मत कीजिए, स्टॉप कीजिए, अगर आपका पर्पस है तब यूज कीजिए, अदरवाइज उसको स्टॉप करके रखिए, पर्पस जब आ रहा है आपके पास तब यूज कीजिए, रिजल्ट देखिए, हो गया काम खत्म, सिर्फ वे प्रोटीन और क्रिएटिन का साथ जो है वो मत छोड़िए, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर आप ये दो चीज को आप ले सकते हो, ये ऐसा एक सप्लीमेंट है जिसको आप मतलब स्टॉप ना करना सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आया है पीयूष अग्रवाल के तरफ से, अगर हम लोग ये सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते तब जाके क्या करें, तब जाके कैसे ट्रांसफॉर्म करें, अगर आपका गोल, पहले तो एक चीज है कि आपका गोल है आपको स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स खेलना है आपका गोल है, तब तो मैंडेटरी है, तब तो सप्लीमेंट्स मैंडेटरी है, ठीक है। आपको घर का खाना जो है कभी भी वो 100% न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जो आपको एक मतलब एक बॉडी जो होता है, आप लोग क्या चाहते हो, वी शेप बॉडी, ठीक है, ये जो एक्स फैक्टर जो है ना बॉडी का, ये सिर्फ घर का खाना से नहीं आता है,
ये सब सप्लीमेंट्स वगैरह जब ऐड करते हो ना, और उसके साथ अच्छा डाइट और साथ में अच्छा एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, अच्छे से स्लीप लेते हो, तब जाके आप जो डिजायर बॉडी है, आपका जो डिजायर बॉडी है, एक्स फैक्टर वाला जो बॉडी है, वो आप अचीव कर पाओगे। आपका बॉडी होगा विदाउट सप्लीमेंट्स, आपके पास बॉडी होगा, बट जो चीज आप इंटरनेट पे देख रहे हो, जो चीज आप बार बार देख रहे हो, इन्फ्लुएंसर आपको दिखा रहे हैं जैसा बॉडी, उसके लिए आपको एडिशनल बहुत सारा चीज डालना पड़ेगा। और एक चीज बोल दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी मतलब एक्सपेक्टर तो अलग बात है, एक्सपेक्टर बहुत जन के अंदर ऑलरेडी है, एक दो साल वर्कआउट कर रहे एक्सपेक्टर है, पर जो चीज देख के आपको लग रहा है कि ये कैसे अचीव करे, ऐसा बॉडी अगर आप देख पा रहे हो ना इंटरनेट पे, तो उसके अंदर एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो यूज किया जाता है, वो है ऐसा एक चीज जिसके अंदर एक नीडल होता है और जिसके अंदर आप डाल के आपके अंदर में डालते हो, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी तब जाके दिखता है पिक्चर में, ठीक है। ये रहता है, उतना इजी नहीं है, बाकी सब फेक नेट ही है, फेक नेट ही है, ये सब कुछ चलाने के बाद वो आते हैं आपके सामने, ठीक है। तो उतना इजी नहीं है जितना आप लगता है, ठीक है। किड्स लव 54, मसल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, क्या करूं। मसल इम्बैलेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना छोटा वीडियो में मैं उतना डिटेल में आपको बोल नहीं पाऊंगा, और उसके साथ साथ सारा इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उतना ज्यादा मसल एनाटॉमी के ऊपर पढ़ाई नहीं किया, मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए, क्योंकि मुझे ये सेम प्रॉब्लम था और मैंने खुद उसको आइडेंटिफाई किया कि क्यों है। तो मसल इम्बैलेंस बेसिकली बहुत चीज के ऊपर बेस करके हो सकता है, कि फर्स्ट जो चीज है मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्रेशर, आपका प्लेसमेंट, आपका पोस्चर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बेसिक सा बोल रहा हूँ, ठीक है, उतना डिटेल में आपको किस लिए हुआ है वो मैं मुझे पता नहीं है, बट मुझे जिस लिए हुआ था मैं आपको बोल दूं, एक है प्रेशर, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं फ्लोर पे पुशअप करते थे तो मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा आगे था और राइट हैंड थोड़ा नीचे ऐसे करके रहते थे, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत ये जो लेंथ है इसमें प्रॉब्लम आया था, जब मैं 5-6 साल वर्कआउट कर चुके थे, जब डेवलप हो रहा था बॉडी थोड़ा बहुत, तब जाके मुझे फील हुआ कि हाँ थोड़ा इस साइड ऊपर लग रहा है, इस साइड नीचे लग रहा है। तो धीरे धीरे वो चीज को, हाथ को मैं स्लोली 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 नीचे, और बॉडी का ऐसा पोस्चर हो गया था कि जैसे ही मैं हाथ को नीचे आते थे तो वो प्रॉपरली वो पुश नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बॉडी ऐसा जो पोजिशन है, ये जो अप डाउन पोजिशन है, इसके ऊपर ही एडजस्ट हो गया था बॉडी, ठीक है, वो ले लिया था। तो धीरे 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 वो चीज को मैंने चेंज किया और स्लोली स्लोली ये पुशअप का स्टाइल जो है वो चेंज। और एक चीज होता है आपका जिम मशीन जो है ना, जिम मशीन बहुत खतरनाक है। अभी जो जिम में यूज हो रहा है, मैक्सिमम जिम में बहुत ही पुअर क्वालिटी का मशीन यूज हो रहा है, जिसका अलाइनमेंट ही सही नहीं है। एक मशीन का अलाइनमेंट वो स्केल से मेजर होके, एक मतलब वो जो प्लेटफॉर्म में होता है ना, एक अच्छा मशीन जो यूज होता है जिम में, उसका एक स्केल से मेजर होता है। जैसे आपका अलाइनमेंट गाड़ी का होता है, व्हील का, उसका भी कंप्यूटराइज होता है, वैसा मशीन का भी होता है, कि राइट साइड लेफ्ट साइड आपका सही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगा। बहुत सारा जिम में मैंने अभी नोटिस किया कि लोकल मशीन यूज करते हैं, सस्ता मशीन यूज करते हैं, जिसमें चेस्ट प्रेस का एक हैंडल ऊपर की तरफ है और एक हैंडल उससे नीचे की तरफ है। तो आप सोचिए कि आप ऐसे मार रहे हो, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टाइम में मसल जो ग्रोथ होगा ज्यादा कम प्रेशर के लिए, अप डाउन तो होगा ही, डेफिनेटली होगा ही। तो उससे बेटर है, ये जो चीज है मसल इम्बेलेंस जो है, इसको सही करने का एक तरीका मैं आपको बोलता हूँ। आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई मसल इम्बेलेंस है, आप फ्री वेट्स में ट्राई कीजिए जिम में जाके, मतलब डम्बल और बारबेल से ट्राई कीजिए, बेस्ट तरीका है उसको सही करने का। मैंने उस चीज को अपनाया और आज मैं फ्री वेट्स ज्यादा यूज करता हूँ, डम्बल्स और बारबेल्स जो है वो ज्यादा यूज करता हूँ। मशीन जो आइसोलेशन मूवमेंट है उसके लिए यूज करता हूँ, क्रॉस केबल वगैरह, बट वो मशीन अगर सही है तब, अदरवाइज मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो। और एक चीज है, आप कोई भी जो डॉक्टर है इसके रिगार्डिंग, उसके पास जाइए, जाके दिखाइए कि अंदर से इंटरनल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, जिसके लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। अदरवाइज
मेजरली देखा गया कि 60-70% प्रॉब्लम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका जो पोस्चर है वो गलत है, आपका लेग प्लेसमेंट सही नहीं है, आप प्रॉपर पोस्चर फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका प्रेशर सही नहीं है, लेफ्ट बहुत जन का लेफ्ट राइट साइड का प्रेशर अलग होता है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान। का जो Q&A था वो यही तक था, और कुछ क्वेश्चन सच एस इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा जो मुझे ये चाहिए, क्योंकि बेसिक जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कुछ मैं कवर कर चुका हूँ, फिर भी वो सेम क्वेश्चन को पूछते क्योंकि वीडियो एंड तक सही से नहीं देखते। बाकी जितना भी क्वेश्चन था जो मुझे करना था आंसर मैंने कर दिया। आप लोगों के पास और भी कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो मुझे बोलो, और प्लान को एज इट इज फॉलो करो जैसे है। Day 6, Day 7, Day 8 तक सेम प्लान चलेगा, बट Day 7 में जो वीडियो आएगा नेक्स्ट संडे आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, हर एक वीडियो को, ताकि आप लोगों को एक सही जानकारी मिले और आप लोग अच्छे से एक बॉडी को अचीव कर पाओ।